तो गैस आज का ये फोटो रीडिंग देख सकते हो बहुत ही ऑसम लग रहा है। और गैस ये बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट की फोटो रीडिंग होने वाला है। अगर आप लोग भी इस टाइप की फोटो रीडिंग सीखना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझा दूंगा। एंड गैस हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके साइड की बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। तो चले गैस बिना देखिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके सो गाइस सबसे पहले क्या करना है, आपकी जो फोटो को यहाँ पर गैलरी से सेलेक्ट करके पिक्सआर्ट आप पर इनपुट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं सर पर क्लिक करता हूँ और पिक्सआर्ट आपको सिलेक्ट लेता हूँ। सो गाइस पिक्सआर्ट पर हमारी फोटो यहाँ पर इनपुट हो चुकी है। लेकिन गाइस एडिटिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आपको वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है, क्योंकि इस टाइप की एडिटिंग बनाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन आज का ये वीडियो देखने के बाद आपकी मुश्किल दूर हो जाएगा। मैं आपको बहुत ही ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप भी मेरी तरह ही बहुत ही आसान तरीके से फोटो एडिटिंग बना पाओगे, ठीक है। सिर्फ आपको वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। तो सबसे पहले गाइस आपको क्या करना है, आपको इफेक्ट टूल पर क्लिक करना है। तो ये रहा इफेक्ट टूल का ऑप्शन, सिंपल आपको ये इफेक्ट टूल पर क्लिक करना है। और गाइस आपको सिंपल वाला इफेक्ट पर क्लिक करना है। तो गाइस आपको दिखा देता हूँ, ये रहा सिंपल वाला इफेक्ट। तो सिंपल वाला इफेक्ट पर क्लिक करके यहाँ पर गाइस एक इफेक्ट को ढूंढना है, तो सिफम इफेक्ट पर क्लिक करना है। तो ये रहा सिफम इफेक्ट, तो सिंपल आपको ये इफेक्ट पर क्लिक करना है। इस इफेक्ट पर क्लिक करके फिर से आपको सेटिंग पर क्लिक करना है और सेटिंग को ओपन करके यहाँ पर फेडो को कम कर लेना है, ठीक है। तो फेडो को आपको जीरो रखना है और गाइस जीरो रख करके आपको इरेज टूल पर क्लिक करना है। तो गाइस आपको दिखाता हूँ, ये रहा इरेज का ऑप्शन, सिंपल आपको ये इरेज टूल पर क्लिक करना है। इरेज टूल पर क्लिक करके इन्वर्ट कर लेना है और यहाँ पर रिस्टोर पर क्लिक करके यहाँ पर गाइस आपको हार्डनेस को रखना है, आपको 98 के आसपास रखना है, तो 98 ही रखता हूँ। और साइज को 30 के आसपास रख करके यहाँ पर गाइस आपको जूम करना है और सिर्फ आपको स्किन के ऊपर ही ड्रॉ करना है। देख सकते हो बहुत ही अच्छे से यहाँ पर गोरा हो रहा है। तो ऐसा ही आपको ड्रॉ करके फेस को पहले आपको गोरा बना देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जल्दी से ड्रॉ कर देता हूँ। सो गैस बिल्कुल यहाँ पर ड्रॉ हो चुकी है। अभी गैस आपको यहाँ पर डन करके बैक चलना है और फिर से आपको यहाँ पर डन करके बैक चलना है। सो गैस अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर रिटर्न टूल पर क्लिक करना है। तो ये रहा रिटर्न टूल का ऑप्शन, सिंपल आपको ये रिटर्न टूल पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं रिटर्न टूल पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आपको स्किन टोन को ढूंढना है, ठीक है। तो गैस यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये रहा स्किन टोन का ऑप्शन, सिंपल आपको ये स्किन टोन पर क्लिक करना है। और यहाँ पर स्किन टोन पर क्लिक करके यहाँ पर मल्टीपल कलर ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इसी मल्टीपल कलर ऑप्शन पर क्लिक करके व्हाइट कलर को सिलेक्ट करके डन कर लेना है। और मेनू पर क्लिक करके यहाँ पर गैस आपको हार्डनेस को 100 रखना है, ओपेसिटी 100 और साइज को भी आपको यहाँ पर 30 के आसपास रखना है। और गैस आपको यहाँ पर जूम करके यहाँ पर दिखाता हूँ, यहाँ पर गैस आपको ऐसा आपको ड्रॉ करना है और ड्रॉ करके छोड़ देना है। तो ऐसा ही आपको स्किन को फुली स्किन को गोरा बना देना है। तो गैस ये काम को और भी थोड़ा आसानी बनाने के लिए आपको ऑटो टूल पर क्लिक करना है। तो ये रहा ऑटो टूल का ऑप्शन, सिंपल आपको ऑटो टूल पर क्लिक करना है। ऑटो टूल का काम यह है कि ऑटोमेटिकली आपकी फेस को गोरा बना देगा। तो सिंपल आपको मोबाइल की डाटा को ऑन कर लेना है और ऑटो टूल पर क्लिक करना है। तो गैस यहाँ पर थोड़ा वेट कर लेना है। वेट करने के बाद गैस देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर गोरा होकर आ जाएगा। यहाँ पर गैस फोटो को देख सकते हो हमारी बहुत ही अच्छी तरह से हमारी जो फेस गोरा हो चुकी है। अगर गैस आपकी जो फेस की कोई जगह पर अच्छी तरह से गोरा नहीं हुआ तो आप मेनू पर क्लिक करना है। मेनू पर क्लिक करके यहाँ पर साइज को एडजस्टमेंट करके इस तरह से मेरी तरह आपको ड्रॉ कर लेना है। तो ड्रॉ करके ठीक कर सकते हो, ऐसा ही आपको ड्रॉ करके ठीक कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर सब कुछ हो चुकी है। अभी गैस यहाँ पर जो अमाउंट मिल रहा है अमाउंट को देख लेना है, कितना अमाउंट आपको चाहिए। तो यहाँ पर मैं 100 ही रखूंगा। और गैस आपको यहाँ पर डन करके बैग चलना है और फिर से आपको यहाँ पर डन करके बैग चलना है। और गैस अभी आपको क्या करना, आपको यहाँ पर फिर से आपको इफेक्ट टूल पर क्लिक करना है। तो ये रहा इफेक्ट टूल का ऑप्शन, सिंपल आपको ये इफेक्ट टूल पर क्लिक करके यहाँ पर गैस आपको ब्लर इफेक्ट को ढूंढना है। तो ये रहा ब्लर इफेक्ट का ऑप्शन, सिंपल आपको ये ब्लर इफेक्ट पर क्लिक करना है और ब्लर इफेक्ट को अप्लाई करके यहाँ पर आपको ये रहा ब्लर इफेक्ट का ऑप्शन, सिंपल आपको ये ब्लर इफेक्ट को अप्लाई कर लेना है। और गैस आपको सेटिंग पर क्लिक करना है और सेटिंग को कुछ आपको स्टेप से रखना है, आपको 9 के आसपास रखना है। तो यहाँ पर मैं 9 ही रखता हूँ, आपको भी 9 रखना है। और गैस आपको इरेज टूल पर क्लिक करना है। तो ये रहा इरेज टूल का ऑप्शन, सिंपल आपको ये इरेज टूल पर क्लिक करना है। इरेज टूल पर क्लिक करके इन्वर्ट कर लेना है और रिस्टोर पर क्लिक करके आपको हार्डनेस को रखना है आपको 0 और साइज को रखना है आपको यहाँ पर 30 के आसपास, ठीक है। उसके बाद गैस आपको यहाँ पर जूम करना है, जूम करके सिर्फ आपको फेस के ऊपर ही ड्रॉ करना है, ठीक है। देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर स्मूथ हो रहा है। लेकिन गैस ड्रॉ करते वक्त आपको एक बात को ध्यान में रखना है कि फेस के अकॉर्डिंग आपको साइज को भी छोटा बड़ा करना है। जैसे कि यहाँ पर छोटी पार्ट पर आपको साइज को छोटा करना है और ऐसा ड्रॉ करना है। अगर ज़्यादा बड़ा करके ड्रॉ करोगे तो आपकी फेस एकदम से ब्लर हो जाएगा और अच्छा नहीं दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जल्दी से ड्रॉ कर लेता हूँ। सो गैस यहाँ पर मैं ड्रॉ कर चुकी हूँ। अभी गैस आपको यहाँ पर डन करके बैक चलना है और फिर से आपको यहाँ पर डन करके बैक चलना है। सो गैस अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको बिफोर एंड आफ्टर दिखा देता हूँ। ये रहा बिफोर एंड आफ्टर। तो बहुत ही अच्छी तरह से हमारी जो फेस गोरा एंड फेस स्मूथ भी हो चुकी है। सो गैस अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इस तरह से स्वाइप करना है। ये जो टूल है आपको इस तरह से स्वाइप करके चला जाना आपको नीचे आपको ऐड फोटो पर। तो ये रहा ऐड फोटो का ऑप्शन, सिंपल आपको ऐड फोटो क्लिक करके यहाँ पर गैस आपको एक बैकग्राउंड को ऐड करना है। तो यहाँ पर आपको स्काई ब्लू बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। तो ये बैकग्राउंड आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पर, इसको आपको ऐड करके सिंपल आपको इस तरह से बड़ा कर लेना है। फोटो के हिसाब से आपको इस तरह से बड़ा करके रख लेना है। और गैस आपको यहाँ पर इरेज टूल पर क्लिक करना है।
तो गाइस दिखा देता हूँ, ये रहा इरेज टूल का ऑप्शन। सिंपल आपको ये इरेज टूल पर क्लिक करना है, तो इरेज टूल पर क्लिक करके इन्वर्ट कर लेना है, और रिस्टोर पर क्लिक करके आपको हार्डनेस को रखना है आपको 98 के आसपास, और गाइस आपको साइज को रखना है आपको यहाँ पर 30 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 30 ही रखता हूँ, और गाइस आपको इस तरह से जूम करके सिर्फ आपको 60 के ऊपर ही ड्रॉ करना है, तो ऐसा ही आपको ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पर मैं जल्दी से ड्रॉ कर लेता हूँ। सो गाइस यहाँ पर मैं ड्रॉ कर चुकी हूँ। अभी गाइस आपको यहाँ पर डन करके बैक चलना है, लेकिन गाइस आपको फिर से आपको यहाँ पर डन नहीं करना है, आपको ब्लेंड मोड को ढूंढना है। तो गाइस आपको दिखा देता हूँ, ये रहा ब्लेंड मोड का ऑप्शन। सिंपल आपको ये ब्लेंड मोड पर क्लिक करना है, और गाइस यहाँ पर आपको ओवरले रखना है, ठीक है। ओवरले रख के आपको यहाँ पर डन कर लेना है। तो यहाँ पर मैं डन करके बैक चलता हूँ। सो गाइस अभी आपको फिर से आपको ऐड फोटो क्लिक करना है, ऐड फोटो क्लिक करके यहाँ पर गाइस अभी आपको बैकग्राउंड को ऐड करना है, ठीक है। तो गाइस आपको बैकग्राउंड भी आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पर, आप इजीली जाकर डाउनलोड कर सकते हो। सिंपल आपको ये बैकग्राउंड को आपको फोटो के हिसाब से आपको इस तरह से फुल स्क्रीन कर देना है। तो इस तरह से फुल स्क्रीन करके आपको यहाँ पर इरेज टूल पर क्लिक करना है। तो इरेज टूल पर क्लिक करके यहाँ पर इन्वर्ट कर लेना है, और रिस्टोर पर क्लिक करके आपको हार्डनेस को उतना ही रखना है, 98 ही रखना है, और साइज को उतना ही रखना है आपको 30 के आसपास रखना है। और गाइस आपको जूम करके सिर्फ आपको मॉडल को छोड़ करके आपको बैकग्राउंड पर ही आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बैकग्राउंड पर ही ड्रॉ कर लेता हूँ जल्दी से। तो गाइस यहाँ पर मैं बिल्कुल ड्रॉ कर चुकी हूँ। अभी गाइस आपको यहाँ पर डन करके बैक चलना है, और फिर से आपको यहाँ पर डन करके बैक चलना है। तो गाइस अभी आपको फिर से आपको ऐड फोटो क्लिक करके यहाँ पर गाइस आपको हेयर पिंच को ऐड कर लेना है। तो ये हेयर पिंच भी आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पर, आप इजी जाकर डाउनलोड कर सकते हो। सिंपल आपको ये हेयर पिंच को पकड़ के आपको हेड के ऊपर अच्छे से फिट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं फिट कर लेता हूँ। फिट करने के बाद गाइस आपको यहाँ पर इरेज टूल पर क्लिक करके यहाँ पर जो नीचे की तरफ से एक्स्ट्रा पार्ट को हटा देना है, ठीक है। तो इरेज पर क्लिक करके यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा पार्ट को हटा देता हूँ। इस टाइप से आपको इरेज करके एक्स्ट्रा पार्ट को हटा करके यहाँ पर गाइस आपको डन करके बैक चलना है। तो गाइस डन करके बैक चलना है, और फिर से आपको यहाँ पर डन करके बैक चलना है। सो गाइस अभी आपको फिर से आपको ऐड फोटो क्लिक करके फिर से आपको वही ब्लू वाला बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। तो क्या करना है मैं आपको अभी बताता हूँ। सिंपल आपको क्या करना है, फेस के ऊपर इस तरह से रख लेना है, जैसे हमने साइड के ऊपर ड्रॉ किया था वैसे ही आपको चश्मे के ऊपर भी ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जल्दी से चश्मे के ऊपर ड्रॉ कर लेता हूँ। इस तरह से ड्रॉ करने के बाद गाइस आपको क्या करना है, आपको डन करके बैक चलना है, और डन करके बैक जाने के बाद यहाँ पर जो ओपेसिटी मिल रहा है तो ओपेसिटी हल्का सा कम कर देना है। तो कम करके आपको 84 के आसपास रखना है, तो 84 ही रखता हूँ, और गाइस आपको यहाँ पर डन करके बैक चलना है। सो गाइस अभी आपको क्या करना है, आपको स्वाइप करके चल देना आपको टूल्स पर। तो गाइस आपको दिखाता हूँ, ये रहा टूल्स का ऑप्शन। सिंपल आपको ये टूल्स ऑप्शन पर क्लिक करना है। टूल्स ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर गाइस आपको एडजस्ट टूल पर क्लिक करना है। तो इसी एडजस्ट टूल पर क्लिक करके यहाँ पर सबसे पहले गाइस आपको शैडो को प्लस कर लेना है। तो गाइस यहाँ पर मैं शैडो को प्लस कर लेता हूँ। शैडो को प्लस करके ज़्यादा नहीं, आपको यहाँ पर 16 के आसपास रखना है, और हाईलाइट को भी प्लस कर लेना है। तो हाईलाइट को प्लस करके ज़्यादा नहीं, आपको 11 के आसपास रखना है, ठीक है। उसके बाद गाइस आपको टेम्परेचर पर क्लिक करके टेम्परेचर को आपको प्लस ही रखना है, तो प्लस आपको 6 रखना है। और गाइस आपको यहाँ पर क्लैरिटी नहीं, यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट पर क्लिक करना है। तो कॉन्ट्रास्ट को आपको माइनस कर लेना है। तो माइनस आपको कितना रखना है, यहाँ पर आपको 20 के आसपास रखना है। और गाइस आपको हमें डन करके बैक चलना है। सो गाइस हमारी जो एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ पर गाइस बिफोर एंड आफ्टर भी दे सकते हो, बहुत ही ऑसम लग रहा है। सो गाइस आई होप आपको एडिटिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके साइड की बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। तो चलेगा मिलता है अगले इस वीडियो में।